नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि नगर निगम के ठेका कर्मचारी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पर कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिली है सैलरी। करीब 150 ठेका कर्मचारी को नहीं मिला है वेतन। तो 10 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं ठेका कर्मचारी, वेतन ना मिलने से जीवन यापन में परेशानी हो रही है। ठेका कर्मचारियों ने वेतन ना मिलने पर अब काम बंद कर दिया है और इनका ये प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबलपुर से बड़ी जानकारी और ये तस्वीर देखिए सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि नगर निगम के ठेका कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर छिंदवाड़ा से, बता दें कि कलेक्टर पर बिफरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा जा रहा है कि कलेक्टर कार्यालय से नाराज होकर लौटे गिरिराज सिंह, अगवानी के लिए रिसीव करने नहीं पहुंची कलेक्टर। एंट्री गेट पर कलेक्टर नहीं होने से नाराज हुए मंत्री गिरिराज सिंह। कहा जा रहा है कि आनंद फानन में दौड़कर आए कलेक्टर और SP। तो देखिए तस्वीर भी देखिए सामने निकल कर आई है। ये तस्वीर भी आपको एक तरफ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कलेक्टर कार्यालय से नाराज होकर निकले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। नाराज हुए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा जा रहा है कि कलेक्टर उन्हें रिसीव करने नहीं आए थे और जिस वजह से वो नाराज होकर वहां से निकल गए। तो छिंदवाड़ा से ये तस्वीर देखिए सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि कलेक्टर पर बिफरे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कलेक्टर कार्यालय से नाराज होकर लौटे हैं गिरिराज सिंह, अगवानी के लिए रिसीव करने कलेक्टर यहां पर नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण वो नाराज हो गए। एंट्री गेट पर कलेक्टर नहीं होने से नाराज दिखाई दिए गिरिराज सिंह। और जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, फिर आपको बता दें कि दौड़कर आए कलेक्टर और SP। ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। गिरोह के 3 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो बहुदापुर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी देखिए यहाँ पर हाथ लगी है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने नाबालिगों के फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह को यहाँ पर धर दबोचा है। तो पुलिस को लंबे समय से 3 आरोपियों की तलाश थी। कंप्यूटर सेंटर की आड़ में काला धंधा चलाता था। कहा जा रहा है कि वहीं पुलिस को जबरन शादी कराने के साथ देह व्यापार में ढकेलने के सबूत भी मिले हैं। पुलिस आरोपियों से अब लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। तो जिस तरह से पुलिस लगातार अब इनसे पूछताछ कर रही है, ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि और भी ऐसे बड़े खुलासे हैं जो सामने निकल कर आ सकते हैं। पकड़ा है जो लोगों के कागजात लेकर उन्हें एडिटिंग करके और साइट का उपयोग करके फर्जी जनपद पर बनाते थे। कितने हजार तक पैसे लेकर वो बनाते थे। खबर रीवा से, बता दें कि दो गुटों के बीच यहां पर सड़क पर मारपीट देखने को मिली है। 50 से ज्यादा लोग आपस में ही भिड़ गए, दोनों पक्षों में जमकर यहां पर लाठी डंडे चले हैं। तो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। पडरा के एग्रीकल्चर कॉलेज मोड़ की पूरी घटना बताई जा रही है। तो किसी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, माफ कीजिएगा, किसी पक्ष ने थाने में दर्ज नहीं कराई शिकायत। तो वो दो गुटों के बीच में सड़क पर जमकर यहाँ पर मारपीट देखा गया। 50 से ज्यादा लोग आपस में ही भिड़ गए और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रीवा से तस्वीर सामने निकल कर आई है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो दो पक्ष आपस में ही यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर लाठी डंडे यहाँ पर चले हैं। कहा जा रहा है कि इसके बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। अब खबर सतना से लेंगे। बता दें कि चलती ट्रेन के नीचे आई महिला बाल बाल बची है। चलती ट्रेन से उतरते वक्त महिला यात्री नीचे गिरी। इंटरसिटी एक्सप्रेस से ये हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि यात्रियों ने ट्रेन पुलिंग कर महिला को पटरियों से यहां पर बाहर निकाला।
तो महिला यात्री का नाम सुधा कुशवाहा बताया जा रहा है। चलती ट्रेन से उतरते वक्त महिला यात्री यहां पर नीचे गिर गई, जिसके बाद से आपको बता दें कि पटरियों से यहां पर लोगों ने, आसपास के लोगों ने महिला को बाहर निकाला। खबर ग्वालियर से है, बता दें कि आरपीएफ टीम ने बीएसएफ जवान की जान बचाई है। बीएसएफ जवान सुनील नारायण की जान यहां पर बचाई गई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में जवान नीचे गिर गया था। कहा जा रहा है कि चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जवान यहां पर फंसा रहा। आरपीएफ ने चेन पुलिंग कर जवान की यहां पर जान बचाई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना बताई जा रही है। तो आरपीएफ टीम ने बीएसएफ जवान की जान यहां पर बचाई है। बीएसएफ जवान सुनील नारायण की जान यहां पर बचाई गई है। कहा जा रहा है कि चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में यहां पर जवान नीचे गिर गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में बता दे कि फंसा रहा। इंदौर में डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने टीम इंडिया का दिल जीत लिया। दरअसल होलकर स्टेडियम से टीम इंडिया की टीम बस में बैठकर होटल जा रही थी और इसी वक्त डांसिंग कॉप रंजीत ने अपने अंदाज में डांस करते हुए ट्रैफिक संभाला, जिसका टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ताली बजा करके स्वागत किया है। वहीं मंडला में एक मादा भालू का शानदार वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि मादा भालू अपने दो बच्चों को पीठ पे लादकर तालाब के पास ले जाती दिख रही है। बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अपने पीठ पर लादकर ले जाती हुई ये दिखी। मादा भालू और बच्चों को देख पर्यटकों ने वीडियो बना लिया और पर्यटकों ने इस नजारे को देख उत्साहित हो गए। कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही जोन का बताया जा रहा है ये वीडियो। आप बता दें कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आगर मालवा के लटूरी गहलोत गांव में करीब 184 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी लोगों को उल्टी और दस्त की समस्या हुई है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और बीमारों का ग्राम में ही इलाज किया जा रहा है। गांव में एक भोज के कार्यक्रम में भोजन करने के बाद आपको बता दें कि सभी लोग बीमार हुए। चिकित्सक का यह कहना है कि अभी तक 184 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से कोई भी चिंताजनक स्थिति में इस वक्त नहीं है। और इसी बीच खबर मुरैना से है, बता दें कि मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी रंजिश और रेत के विवाद को लेकर दो पक्षों में यहां पर फायरिंग हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुख्यात बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की है। गोलीबारी में दो ग्रामीणों की गोली लगी है। तो बताया जा रहा है कि दो ग्रामीणों को यहां पर गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। सराय छोला थाना इलाके के होलापुरा गांव का यह पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है। और अब खबर भोपाल से, फिल्मी स्टाइल में अबकारी टीम ने क्लब पर छापा मारा है। बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ग्राहक बनकर क्लब पहुंची अबकारी टीम, बिना लाइसेंस के बेची जा रही थी विदेशी अवैध शराब। तो अबकारी टीम के 15 सदस्य ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और कार्रवाई से डरे स्टाफ और ग्राहक आपको बता दें कि क्लब से भागते हुए भी नजर आए। सिर्फ 21 फरवरी को शराब परोसने के लिए यहां पर लाइसेंस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहां पर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। अवैध शराब की 100 से अधिक बोतलें भी जब्त कर ली गई है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 2023 चुनाव के लिए एक्शन मोड में अब बीजेपी पूरी तरह से नजर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि शाम 5:30 बजे
कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। बैठक में विकास यात्रा से मिले फीडबैक पर भी चर्चा की जाएगी, तो विधायकों की धरातल स्थिति को लेकर के भी यहां पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंधिया समेत कई दिग्गज यहां पर शामिल होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये बड़ी बैठक यहां पर बुलाई है, तो बीजेपी कार्यालय में आज जारी रहेगा बैठकों का दौर। सुबह 11 बजे प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों के संयोजक की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे बता दें कि विधानसभा संयोजकों की बैठक बुलाई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी जानकारी कहेंगे इसे, भोपाल से सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है, और आज 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी का रुख करते हैं। अमृतांशी, जैसे जैसे 2023 चुनाव जो है नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूरी एक्शन मोड में अब नजर आ रही है, और इसी को लेकर के आज कोर कमेटी की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि कई दिनों से बीजेपी की विकास यात्राएं लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जारी थी, और लगातार संगठनात्मक बैठक करने में तो बीजेपी लगी हुई है। आज इसी कड़ी में प्रकोष्ठों मोर्चों की बैठक बीजेपी ने बुलाई है, साथ ही साथ शाम को 5:30 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। देखिये, विकास यात्राओं से जितना भी फीडबैक मिला है विधायकों के जरिए, जमीनी स्तर पर चाहे हम बूथ संयोजकों की बात करें, उसके अलावा तमाम पदाधिकारियों की बात करें, उस विकास यात्रा के आधार पर फीडबैक लेकर बीजेपी आज की रणनीति तैयार करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की विकास यात्रा में जनसंपर्क की तरह विधायक तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जुड़े हैं, बीजेपी को ये विकास यात्रा कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इसी कारण बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क में तमाम विधायक जुड़े रहे। इसी के लिए 2023 के लिए अब कुछ ही महीने बाकी रह गए, 200 दिन में 200 पार का नारा बीजेपी अब काफी ज्यादा हम कह सकते हैं सीरियसली ले रही है, और इसी कड़ी में आज कोर मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम बड़े नेता कोर मीटिंग में शामिल होंगे। साथ ही साथ संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, अजय जामवाल, हितानंद शर्मा, सभी इसमें शामिल होंगे, और आगे की जो है अहम रणनीति आज बनाई जाने वाली है। जी ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड में पहली बार देसी डॉग्स को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर होने वाली जांच में इन देसी डॉग्स की मदद ली जा रही है। होली, रंगपंचमी और शबे बारात पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और इसे रोकने के लिए नरसिंहपुर स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल जैसी जगहों पर इन देसी डॉग्स के साथ सर्चिंग की जाएगी। तो डॉग स्क्वाड में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की डॉग स्क्वाड टीम में अब देसी डॉग्स को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि जांच में मदद मिल सके। आगामी होली का जो त्यौहार है, रंगपंचमी है, शबे बारात है, उसके मद्देनजर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, और जो और भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, इसके साथ साथ जो यात्रीगण हैं उनका सामान वामान इन सबको चेकिंग कराने के लिए आज छिंदवाड़ा से हमारे पास डीआईजी स्तर के कार्यालय से एक बम डिस्पोजल स्क्वाड आया हुआ है। डॉग एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, स्नाइपर, ट्रैकर और नारकोटिक्स के। ये हमारे पास जो डॉग है स्नाइपर डॉग है, ये एक्सप्लोजिव को सूंघता है और एक्सप्लोजिव डिवाइस को बताता है कि यहाँ कोई एक्सप्लोजिव संबंधी वस्तु है, संदिग्ध वस्तु है, उसको फिर हम प्रोसेस अनुसार कार्रवाई करते हैं। खबर धार से है, बताया जा रहा है कि मजदूरों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मांडू के पास घाट में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन यहां पर पलट गया। पिकअप में करीब 50 मजदूर सवार थे, तो पिकअप वाहन में 25 से 30 के करीब बच्चे भी सवार थे। कहा जा रहा है कि हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हुए हैं, और सभी घायलों को धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खेतों में मजदूरी करने जा रहे थे सभी लोग, घायलों में महिलाएं भी शामिल है। तो धार में तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिकअप वाहन यहां पर पलट गया, जिसके बाद से सभी मजदूर जो है, मजदूरों से भरा यह पिकअप वाहन यहां पर पलट गया, अनियंत्रित होकर पलटा।
खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में एक बार फिर आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक पागल आवारा कुत्ते ने मोरवा इलाके के 3 मासूमों को अपना निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया। बच्चों के चीखने चिल्लाने के बाद उनके माता पिता पहुंचे और तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरवा में बच्चों का इलाज करवाया गया। दामों से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई है। रिश्वत लेते शिक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते शिक्षक घनश्याम हिरवार गिरफ्तार हुआ है। छात्रा को अच्छे नंबर से पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिक्षक ने छात्रा के पिता से ये रिश्वत मांगी थी। और खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शराब पीकर छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। छात्राओं से मारपीट का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। तो शिक्षा विभाग को इस पूरी घटना की जानकारी अब दे दी गई है। महाराजपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सैथरी भगवान सिंह के पुरा में एक माध्यमिक स्कूल है, जिसमें पढ़ने वाली 5 छात्राओं ने और उनके परिजनों ने थाना आकर के उसी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर के ऊपर छेड़खानी और मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस पर से FIR कर ली गई है, टीचर की गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खबर बुरहानपुर से। रेणुका वन डिपो में तोड़फोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 36 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि 40 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने यहां पर हमला बोला था। 36 आरोपियों में कहा जा रहा है कि 22 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। तो पेड़ की कटाई के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुस्साए ग्रामीणों ने वन डिपो पर हमला किया था। जबलपुर से बड़ी खबर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेत्री ने यहां पर प्रदर्शन किया है। सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई। कांग्रेस नेत्री ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो गैस की टंकी सड़क पर रखकर ये प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ काले कपड़े में विरोध जताया। तो महंगाई के खिलाफ आप बता दें कि कांग्रेस नेत्री का यह प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। कांग्रेस नेत्री ने काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। सड़क पर गैस चूल्हा यहां पर रख करके रोटियां बनाई और सरकार पर हमला बोला है। खबर इंदौर से। LPG के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखा जा रहा है। राजवाड़ा पर महिला कांग्रेस ने एक अनूठा प्रदर्शन किया है। सड़क पर रोटी बनाकर गैस टंकी रखकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। तो बढ़ते LPG के दामों से महिलाओं का बजट जो है वो बिगड़ रहा है। सरकार से गैस की टंकी के दाम कम करने की लगातार ये यहां पर मांग कर रही है। अब खबर पन्ना से। बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से मरीज की मौत हो चुकी है। परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि परिजनों ने खाली सिलेंडर देने का यह आरोप लगाया है। रीवा मेडिकल कॉलेज ने जाते समय मरीज ने यहां पर दम तोड़ा। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अब चक्का जाम किया है। खबर नेपालपुर से सामने आ रही है। विधानसभा के बेटमा नगर में कांग्रेस विधायक विशाल पटेल द्वारा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं कथा में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग के दौरान कांग्रेस विधायक विशाल पटेल सोन की पत्नी स्वयं शिव पार्वती के रूप में नजर आए, जहाँ उन्होंने
व्यास पीठ के समीप कथा अनुसार एक दूसरे को वरमाला भी पहनाई। और वहीं बेपालपुर विधायक द्वारा आयोजित इस कथा प्रदेश की अन्य विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का भी जमावड़ा देखने को मिला। आज बेटमा के अंदर ऐतिहासिक कथा हो रही है आदरणीय विशाल जी के नेतृत्व में, आज कथा हो रही है। उस कथा के अंदर हमारे छतरपुर के विधायक आदरणीय चतुर्वेदी जी, आदरणीय संजय विधायक संजय यादव जी, आदरणीय धीरे दीक्षित जी और हजारों लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई दूंगा बेटमा के लोगों को, जो बेटमा के लोगों ने जो खाने पीने की व्यवस्था, जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। आज 2 लाख लोगों से कम नहीं थे। शिवपुराण के दौरान जब पता लगा कि आज शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ है, इस कथा के दौरान गुरुदेव का आदेश आया कि स्वयं आप क्यों ना बन जाएं, तो वो उनका आदेश टाल नहीं सकता था और खुद की इच्छा भी थी, इसीलिए शिव पुराण भी हुई और गुरुदेव का विशेष तौर पर आशीर्वाद रहा। उसके लिए हम लोगों ने आज भगवान शिव का पूरा मेकअप किया और हम लोग धार जिले के पीथमपुर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। कहलवराय की नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। सीएम शिवराज पर कमलनाथ का हमला भी देखा गया। उन्होंने कहा कि शिवराज मांग रहे हैं 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब, भाई मैंने तो 2.5 महीने आचार संहिता में निकाल दिए। बीजेपी सरकार को 18 साल हो गए, उसका जवाब नहीं दे रहे। 215 महीनों से इनका शासन है, मुझसे 11.5 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। कमलनाथ ने प्रदेश में हो रहे औद्योगिक निवेश को भी नौटंकी बताया। जवाब मांग रहे 15 महीने में से 2.5 महीने तो मैं आचार संहिता लोग सुना चुका हूँ। शिवराज सिंह जी को शर्म नहीं आती मेरे से जवाब मांगते, वो अपने 18 साल की जवाब नहीं दे सकते। 215 महीनों से इनका शासन है, 215 महीने भारतीय जनता पार्टी का शासन है और मुझसे 11.5 महीने का हिसाब मांग रहे। जनता मेरी गवाह है, जनता हिसाब मांग रही। अलीराजपुर में आयोजित भगोरिया कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा निस्वार्थ भाव सूबे के विकास के लिए खड़ा हूं और चाहता हूं कि एमपी का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। कमलनाथ ने कहा कि हमने 15 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, मुझे बीजेपी सरकार से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बता दें कि कमलनाथ भगोरिया में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और तभी उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मैं लगा हुआ हूँ क्योंकि ये नहीं है कि मेरा कोई लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी मध्य प्रदेश में और मैं अब चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमारा कार्यकाल था 11.5 महीनों में, 15 महीने का था, जो 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, ये आज जनता देख रही है। जनता है सबसे बड़ी गवाह, तो मेरी जनता है। मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये कलाकारी से, ये एक्टिंग से, या इन्होंने पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, कहीं पगड़ी पहन ली, कहा मैं मामा हूँ, कभी कहा मैं बहन हूँ, कभी मैं कहा मैं किसान का बेटा हूँ। पर आज जो हालात है सब समझते हैं और मध्य प्रदेश की जनता ने इनकी कलाकारी पहचान ली है। छिंदवाड़ा दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आपको बता दें कि पीएम आवास योजना और अमृत सरोवर योजना की उन्होंने समीक्षा की। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी सदन में कुछ नहीं बोलते, ये गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में तो कुछ नहीं बोलते, विदेश में जाकर पीएम को बुरा भला बोलते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गोविंद सिंह के वकील ने
अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी के पेश होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता इलेक्शन पेटिशन में पेश नहीं हो सकते, ये नियमों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि अंकुर मोदी अतिरिक्त महाधिवक्ता होने के साथ सिंधिया परिवार के वकील भी हैं। मामले में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से 17 मार्च को जवाब मांगा है। बता दें कि सिंधिया पर अपने नॉमिनेशन में उन पर दर्ज आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाया गया है। सिंधिया जी ने 2020 में जब अपना राज्यसभा का इलेक्शन का नॉमिनेशन हुआ उसमें एफिडेविट फाइल किया और उस एफिडेविट में इनने अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स डिस्क्लोज नहीं किए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा इलेक्शन कमीशन, लेजिस्लेटर सब लोगों ने कहा है कि भाई आपको क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स डिस्क्लोज करना है। तो इनके ऊपर श्यामला हिल्स की एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी का भी नाम था, कमलनाथ जी का भी नाम था और ये भी एक्यूज बने थे। तो ये पब्लिक डोमेन में थी तो उनके नॉलेज थी कि भाई ये FIR दर्ज हुई है, तो उनने एफिडेविट में ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी थी। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये इलेक्शन पिटीशन फाइल करी और कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि भाई इनका इलेक्शन। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देख रही है न्यूज़ 24।